हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? ऑनेस्ट व्यंजन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए डिश के साथ। तो आज का हमारा डिश है बैंगन का भरवा। बैंगन का भरवा बनाने के लिए मैं पहले मसाला तैयार करूँगी। तो चलिए मसाला तैयार करते हैं। तैयार करने के लिए मैंने लिया है ये सरसों है 2 चम्मच के करीब, मैं इसको डाल दूँगी। 1 चम्मच डालूंगी मैं जीरा। ये लहसुन की 5 कलियां है जिसको मैंने छील लिया है, तो मैं इसको डाल दूंगी। और 5 ये हरी मिर्च है, इसको भी मैं डाल दूंगी। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल करके इसको पीस लूंगी। हम अब डाल देंगे ये थोड़ा सा पानी और इसको पीस लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे तरीके से एकदम तैयार है, महीन और एकदम बारीक पीस चुका है। तो अब हम इसको भून लेंगे। मसाला को भूनने के लिए मैं रखूंगी गैस पर कढ़ाई और गैस को ऑन कर लूंगी। हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो मैं डालूंगी इसमें 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल। मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, आपको रिफाइंड में बनाना हो तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं। वैसे सरसों के तेल में इसका टेस्ट अच्छा आता है। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो मैं डाल दूंगी 1 चुटकी के करीब हींग। अब मैं जो मसाला तैयार की थी अब मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच डालूंगी मैं धनिया का पाउडर। मैं थोड़ा धनिया पाउडर ज़्यादा डालूंगी ताकि मसाला ज़्यादा हो, क्योंकि हमें बैंगन में भरना है। 1 चम्मच डालूंगी मैं किचन किंग मसाला। 1/4 चम्मच डालूंगी मैं कश्मीरी प्याज। डालूंगी मैं स्वाद अनुसार नमक। 1/4 चम्मच डालूंगी मैं गरम मसाला। चलाते हुए और भून लूंगी। ये मसाला हमारा भून चुका है, तो हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे, ठंडा हो जाएगा ताकि हमको भरने में हमारा हाथ न जले। और मैं चलती हूँ बैंगन को तब तक काट लेती हूँ। ये मैंने बैंगन लिया है, ये 1/2 किलो करीब बैंगन है हमारे पीस में। ये देखेंगे तो ये 7 पीस है और इसको मैं 20 से 1/2 कर दूंगी। बैंगन एकदम मुलायम होना चाहिए, इसमें बीज नहीं होना चाहिए। नरम रहेगा बैंगन हमारा तो एकदम भरवा हमारा अच्छा और टेस्टी बनेगा। इस तरीके से मैं बीच में फाड़ दूंगी। इसी तरीके से मैं सारे बैंगन को ऐसे काट लूंगी। ये देखिए मैंने सारे बैंगन को काट लिया है और हमारा मसाला भी ठंडा हो चुका है, तो मैं बैंगन में अब मसाला भर दूंगी। इस प्रकार से मैं बैगन में ये मसाला भर दूंगी। इसी प्रकार से सारे बैगन में मैं मसाला भर दूंगी। देखिए हमने सारे बैगन को अच्छे तरीके से भर लिया है और मैं गैस पर रख दी हूँ कढ़ाई गर्म होने के लिए। अब ये देखिए हमारा गैस पर कढ़ाई रखा हुआ है, कढ़ाई गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी तेल। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, तो मैं अब इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच के करीब मैं तेल। तेल ज़्यादा नहीं डालना है, इसको स्लो फ्राई करना है। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो मैं 1/4 चम्मच डाल दूंगी इसमें जीरा। जीरा हमारा सुनहरा भुन चुका है, तो अब मैं बैंगन को इसमें डाल करके फ्राई कर दूंगी।
देखिए बैंगन को उलटते पलटते ऐसे फ्राई कर लेंगे और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी इसमें नमक। मैं मसाले में नमक डाल चुकी हूँ इसलिए मैं थोड़ा ही डालूँगी ताकि बैंगन में भी पता चले। और मैं इसको मिक्स करके ढकते हुए पका लूँगी। तो ये देखिए फाइनली हमारा बैंगन का भरवा बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। ये हमारा बैंगन का भरवा बन करके तैयार है एकदम यम्मी और स्वादिष्ट। तो आप भी बनाइए अपने घर में और टेस्ट कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।